तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ के पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और यह वीडियो नंबर 6 इस चैप्टर का। इसके पहले हमने 5 वीडियो किया इस चैप्टर के ऊपर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं इस चैप्टर के। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं टॉपिक नंबर 5.4 द ज्यूडिशरी। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और इसके पहले हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़े थे और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा था, जैसे प्रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा, उनके पावर्स के बारे में पढ़ा, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा। और हमने ये देखा कि किस तरीके से कोई भी कानून पास होता है इंडिया में और किस तरीके से गवर्नमेंट के ऑर्डर को अप्लाई किया जाता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को और पढ़ते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इस टॉपिक में क्या पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप ऑफिस मेमोरेंडम जो है उसके एग्जांपल को याद करें, यानी जो एग्जांपल हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से सरकार के एक ऑर्डर को लागू किया गया था, उस चीज़ को आप याद कीजिए। लेकिन यहाँ पर आपको इस बार पूरी स्टोरी याद नहीं करनी है, यहाँ पर आपको ये याद करना है कि देखिए, स्टोरी जो हमने देखी थी उसमें अंतिम एक बात हुई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसने ऑर्डर पास किया था जिसे कि सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया था। तो आपको यहाँ ये समझना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेजेंस है, यानी जो जुडिशरी का प्रेजेंस है, वो कितना इम्पॉर्टेंट है। और आपको ये समझना है कि अगर मान लीजिए जुडिशरी नहीं होती या फिर उसने किसी भी तरीके का ऑर्डर नहीं दिया होता तो सिचुएशन किस तरीके से अलग हो सकते थे, क्या क्या हो सकते थे। तो देखिए, वहाँ पर हमने ये देखा था कि वहाँ पर सभी लोगों ने एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माना था और जो जितनी भी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और भी दूसरी चीज़ें हो रही थी वो एक तरीके से शांत हो गए थे। लेकिन यहाँ पर इमेजिन कीजिए कि अगर वहाँ जो सिचुएशन थी, सुप्रीम कोर्ट का सिचुएशन अगर कुछ और होता तो वहाँ पर क्या हो सकते थे, इसी चीज़ को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती और सरकार ने ऑर्डर पास कर दिया होता कि हाँ जी, आज के बाद 27% रिजर्वेशन अप्लाई होगा, तो वहाँ पर जो लोग एक तरीके से सरकार के ऑर्डर को नहीं मानना चाह रहे थे या फिर उससे खुश नहीं थे, वो क्या करते? तो वो जनरली सरकार का विरोध करते और हो सकता था वो वायलेंट एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाते, वायलेंटली सरकार का विरोध करने लगते, सांसद पर हमला करने लगते, दूसरे लोगों पर अटैक करने लगते, इस तरीके की चीज़ें होने लगती। और मान लीजिए कि दूसरा कंडीशन, कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट होता लेकिन उसके पास ये पावर नहीं होता कि वो सरकार के एक्शंस को जज कर सके, सरकार जो काम करती है वो सही कर रही है या गलत कर रही है उसका एक तरीके से चेक कर सके, अगर ये पावर नहीं होता तो क्या सरकार के खिलाफ वो किसी भी तरीके के अपील अपने पास नहीं ले सकती थी। और सरकार ने ऑर्डर पास कर दिया मतलब वो कानून हो गया, तो उस कंडीशन में भी वही होता कि लोग सरकार से नाखुश होते और सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की बजाय वो सरकार का विरोध करते या फिर किसी और तरीके से उस बात को, यानी कि उस कानून को पलटने की कोशिश करते। अब हम दूसरा एक और कंडीशन देखते हैं, इसमें मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर भी होता लेकिन सुप्रीम कोर्ट सही फैसला देगा इस बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। सब कोई कहते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सही फैसला नहीं देता है, वो गलत फैसला देता है या फिर बायस्ड है या फिर इस तरीके की चीज़ें। तो उस कंडीशन में भी क्या होता, लोग एक तरीके से नाखुश होते सरकार से और वो किसी और तरीके से अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते। और इसके बाद एक और कंडीशन हम देख लेते हैं कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट होता, वो बिल्कुल सही भी होता और बिल्कुल सही फैसला भी देता, फेयर जजमेंट प्रोवाइड कराता, लेकिन जो लोग एक तरीके से अपील कर रहे थे सरकार के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानते और बोलते कि हम इसको नहीं मानेंगे, तो उस कंडीशन में भी स्थिति कंट्रोल में नहीं होती और स्थिति काफ़ी ख़राब हो सकती थी। तो ये सभी हमने कंडीशंस देखे कि क्या क्या कंडीशन हो सकते थे। और इसके बाद अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने बहुत सारे कंडीशंस देखे कि बहुत सारे क्या क्या कंडीशंस हो सकते थे। तो वहाँ पर हमने देखा कि इन सभी कंडीशन से बचने के लिए, बहुत सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए जुडिशरी को जो है उसका पावरफुल होना और इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड के जितने भी डेमोक्रेसीज़ हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया की बात हो रही है, इसके अलावा वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं, वहाँ पर
इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी का होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि न्याय को बनाकर रखा जा सके और लोगों का विश्वास एक तरीके से बना रहे। तो जितने भी कोर्ट्स हैं जो कि अलग अलग लेवल पर काम करते हैं उनको एक साथ मिलाकर हम जुडिशरी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट को केवल जुडिशरी कहते हैं या फिर हाई कोर्ट को कहते हैं, नहीं, जितनी भी कोर्ट्स हैं इंडिया के किसी भी पार्ट में वो काम कर रही हैं तो वो जुडिशरी का हिस्सा है। तो जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है उसमें सुप्रीम कोर्ट आता है जो कि पूरे देश के लिए है, हाई कोर्ट आता है जो कि स्टेट्स के लिए होता है, और इसके अलावा लोकल लेवल पर कोर्ट्स होते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं जो कि लोकल लेवल के प्रॉब्लम्स को देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो देखिए इंडिया का जो जुडिशरी है वो एक तरीके से इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है पूरे देश में, और उसके जो डिसीजंस हैं वो दूसरे कोर्ट्स पर एक तरीके से बाइंडिंग से, यानी किसी केस में अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है तो उस तरीके के जितने भी केसेज आएंगे तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो किया जाएगा, उसके ऑर्डर्स को माना जाएगा। और अब हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कैसे डिस्प्यूट्स को, कैसे प्रॉब्लम्स को ले सकता है, केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं दूसरे कोर्ट्स भी। तो देखिए इसमें आ सकते हैं जो सिटीजन्स के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके केसेस या फिर उस तरीके केसेस कोर्ट द्वारा लिए जा सकते हैं इंडिया के दो लोगों के बीच में। इसके बाद अगर कोई सिटीजन है जो सरकार के किसी फैसले से नाखुश है तो इस तरीके केसेस भी लिए जा सकते हैं, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच के केसेस। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो उस तरीके केसेस भी कौन हल करता है? तो कोर्ट्स करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था पंजाब और हरियाणा के बीच में, पानी को लेकर कुछ कन्फ्लिक्ट था, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसको सॉल्व करने की कोशिश किसने की थी, तो जो कोर्ट है उसने की थी। इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, इनके बीच में अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको भी कौन हियरिंग करेगा? तो उसको हियरिंग करेगा आपका कोर्ट। तो देखिए ये जो है ये हाईएस्ट कोर्ट अपील के लिए होता है, सिविल केसेस के लिए भी और क्रिमिनल केसेस के लिए भी। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो हाई कोर्ट द्वारा डिसीजंस दिए गए हैं उसके खिलाफ एक तरीके से अपील को भी सुनता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट में फांसी की सज़ा दे दी गई है और वो व्यक्ति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस फांसी के सज़ा के खिलाफ याचिका दायर कर सकता है और उसकी फिर से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में करवा सकता है। तो देखिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंस होने का क्या मतलब है, कि यानी कि जुडिशरी आज़ाद है, इसका क्या मतलब होता है? तो जुडिशरी के आज़ाद होने का मतलब ये हुआ कि वो किसी भी तरीके से लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में नहीं है, और जो जजेस होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन पर काम नहीं करते हैं, या फिर जो पार्टी पावर में है, सरकार में है, उसके डायरेक्शन पर काम नहीं करते, उसकी मर्जी के अनुसार काम नहीं करते हैं। तो इसी वजह से जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं वर्ल्ड में, मॉडर्न डेमोक्रेसीज़, वहाँ पर लेजिस्लेचर से और एग्जीक्यूटिव से कोर्ट्स को एक तरीके से इंडिपेंडेंट रखा गया है, बाहर रखा गया है, यानी किसी भी तरीके से जो सरकार है उसका प्रभाव कोर्ट्स पर नहीं आने दिया गया है। और इंडिया में ये चीज़ देखेंगे तो इंडिया ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज़ को अचीव किया है, और इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। और जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर और चीफ जस्टिस के से कंसल्टेशन के साथ। तो यहाँ पर सीधा मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं इनको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वहाँ पर सरकार का कोई रोल नहीं होता, दूसरे लोगों को कोई रोल नहीं होता। और रियलिटी में अगर हम बात करें तो जो सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही सुप्रीम कोर्ट के नए जजेस को चुनते हैं, हाई कोर्ट के नए जजेस को चुनते हैं, और इस चीज़ की वजह से बहुत ही कम चांसेस होते हैं, बहुत ही छोटा सा रेयर चांसेस होते हैं कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस करे इस प्रोसेस में, नए जजेस के अपॉइंटमेंट में। और इसके अलावा जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसे जनरली अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस के तौर पर, चीफ जस्टिस के रूप में। और किसी भी व्यक्ति को अगर जज के रूप में अपॉइंट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, तो उसे रिमूव करना उस पोस्ट से एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाता है। और
जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें रिमूव करना उनके पोस्ट से उतना ही मुश्किल होता है जितना मुश्किल प्रेसिडेंट को रिमूव करना होता है। तो इसका प्रोसेस क्या है? इसका किसी भी जज को रिमूव करने का प्रोसेस ये है कि जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाना होगा और इसे पास करना होगा कहाँ से, जो टू हाउसेज हैं यानी जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं वहाँ से, दो थर्ड यानी टू थर्ड मेजोरिटी से पास करना होगा दोनों हाउसेज से अलग अलग, तभी जाकर किसी जज को उसके पोस्ट से हटाया जा सकता है, उसके पद से हटाया जा सकता है। और इंडिया के आज तक के इतिहास में बात करें तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है, किसी जज को आज तक उसके पद से नहीं हटाया गया है, नहीं रिमूव किया गया है। और इंडिया का जो जुडिशरी है वो वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल जुडिशरी में से एक है, और जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है उनके पास ये पावर होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है? इंटरप्रेट करने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई कानून है उसमें एक तरीके से क्लियरिटी नहीं है, सरकार कहती है कि नहीं ऐसा होना चाहिए लेकिन कुछ वकील कहते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, या फिर कोर्ट कहती है कि कुछ ऐसा होना चाहिए, तो वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस कानून का या फिर उस लाइन का मीनिंग निकाल सकती है और बता सकती है कि हाँ जी इस लाइन का मतलब ये होगा और इसी को सब कोई फॉलो करेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी कानून को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है, और लेजिस्लेचर जो है या और जो एग्जीक्यूटिव है उसके एक्शंस, अगर कोई एक्शन वो काम कर रही है जो कोर्ट को सही नहीं लगता, लगता है कि वो कानून के खिलाफ है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उसे एक तरीके से इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है, चाहे वो केंद्र सरकार के लेवल पर हो या फिर स्टेट लेवल पर हो। और अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई एक्शन या फिर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ मिलता है तो उसे भी एक तरीके से ख़त्म कर सकती है। और इसी वजह से जो कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी लेजिस्लेशन या फिर एग्जीक्यूटिव के एक्शन को एक तरीके से चेक कर सकती है या फिर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिक्लेयर कर सकती है, वो सही है या फिर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जब उसके सामने इस चीज़ को चैलेंज किया जाएगा। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर एक तरीके से याचिका कोर्ट के सामने रखता है कि देखिए ये जो कानून है ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कोर्ट चाहे तो उसके ऊपर सुनवाई कर सकता है, उसका एक तरीके से उस कानून को हटा सकता है या फिर उसे बदल सकता है, और इस पूरे प्रोसेस को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। कानून को एक तरीके से चेक करने का जो प्रोसेस है उसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक तरीके से ये पास भी किया है, रूल भी किया है, इसका मतलब ये क्या कहते हैं, ऑर्डर भी दिया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, जो बेसिक हिस्सा है, उसे पार्लियामेंट में भी चेंज नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि हम जैसे जानते हैं कि पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के कानून को आप बदल सकते हैं कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स के जरिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर पास कर दिया है कि जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा भी जो बेसिक रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। तो देखिए जो पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट कोर्ट्स के और इंडिपेंडेंस है जुडिशरी का, इंडियन जुडिशरी का, वो उसे एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स के गार्जियन के रूप में स्थापित करते हैं, यानी कि अगर किसी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स उसे छीने जा रहे हैं या फिर किसी भी तरीके की परेशानी हो रही है तो उससे बचने के लिए जो कोर्ट्स हैं वो बहुत ही मददगार साबित होते हैं और वो इस चीज़ को एक तरीके से चेक करते रहते हैं। तो अगले चैप्टर में हम एक तरीके से सिटीजन्स के राइट्स को हम देखेंगे, यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं और सभी चीज़ें, उन सभी चीज़ों को देखेंगे। और पिछले कुछ सालों में जो कोर्ट्स हैं उन्होंने बहुत सारे जजमेंट्स प्रोवाइड किए हैं और डायरेक्टिव प्रोवाइड्स किए हैं पब्लिक इंटरेस्ट में और ह्यूमन राइट्स के पक्ष में, और कोई भी व्यक्ति है वो आसानी से कोर्ट्स में पहुँच सकता है एक पब्लिक इंटरेस्ट में। पब्लिक इंटरेस्ट में इसका मतलब कि सरकार के एक्शन से अगर कोई पब्लिक को अगर कुछ परेशानी हो रही है तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति जो है वो कोर्ट में जा सकता है, और इस चीज़ को हम कहते हैं क्या, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जो कोर्ट जो है वो एक तरीके से इंटरवीन कर सकती है गवर्नमेंट के पावर को मिसयूज होने से और उसे एक तरीके से रोक सकती है कि गलत डिसीजन लेने से, और इसके साथ ही जो कोर्ट है वो दूसरे जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनके जो माल प्रैक्टिसेस हैं उनको चेक करने के लिए भी अपने पावर्स का यूज़ कर सकती है। तो इसी वजह से जो जुडिशरी है उसे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्राप्त है लोगों के बीच में, यानी लोगों का विश्वास जो है जुडिशरी पर वो बहुत ही ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, तो मिलते हैं आपसे हम किसी और चैप्टर के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।